नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। सोनभद्र के दुधी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या की घटना का किया खुलासा। पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। कल 3 फरवरी को थाना दुधी पुलिस को सूचना मिली थी कि राजीव श्रीवास्तव पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 6 कस्बा थाना दुधी जनपद सोनभद्र की बीती रात 10:30 करीब अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना में संलिप्त अज्ञात व्यक्तियों को प्रकाश में लाने व शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी दुधी को विशेष निर्देश दिए गए थे। क्षेत्राधिकारी दुधी के निकट पर्यवेक्षण में अपराध शाखा की स्वाट एसओजी सर्विलांस टीम व प्रभारी निरीक्षक थाना दुधी की टीमों का गठन किया गया था। इस टीमों को आज स्वाट एसओजी सर्विलांस टीम व थाना दुधी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि प्राप्त कि उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त विंडमगंज रेलवे स्टेशन में ट्रेन पकड़कर भागने के फिराक में खड़ा है। उक्त सूचना पर गठित टीम द्वारा विंडमगंज रेलवे स्टेशन गेट से लौकू श्रीवास्तव पुत्र प्रभुलाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम कोसडेरा थाना केतरा जनपद गढ़वा को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर मय, 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया तथा बताया गया कि मृतक की पत्नी ममता श्रीवास्तव से काफी समय से प्यार करता है वह, और बीती रात उन दोनों ने मिलकर ही प्लास्टिक के पाइप से गला दबाकर उक्त व्यक्ति की हत्या कर दी थी। 2:30 की रात्रि में दुधी में एक युवक की हत्या हुई थी, राजीव श्रीवास्तव, और इसकी सूचना हम लोगों को यूपी 112 पे 4:02 पर जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा दी गई थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 बदमाश चेहरा ढक कर के कमरे में आए और मुझे और मेरी पत्नी को मारा, मुझे और मेरे पति को मारा और आ गए और उसमें मेरे पति भी। तो ये इवेंट जो है, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जब इसकी छानबीन की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घटना का समय 10:30 से 11 रात था और उसमें काफ़ी विलम्ब भी था सूचना देने में। तो तभी से ये महिला जो थी वो उनकी पत्नी संदेह के दायरे में थी और उनके जो प्रश्नों के जवाब जो दे रही थी उसमें भी तालमेल नहीं था और ये लगने लगा था कि इनमें इनकी संलिप्तता हो सकती है। बाद में जब गहराई से पूछताछ की गई और इनके जो टेक्निकल डेटा थे मोबाइल वगैरह के, तो उनको देखा गया तो हमारी स्वार सर्विलांस और थाने की पुलिस और इन लोगों ने उसका विश्लेषण किया तो ये ज्ञात हुआ कि इनका जो है बहुत लंबे समय से एक लवकुश श्रीवास्तव जो इनका रिश्तेदार ही है उसके साथ और ये लगातार उसके संपर्क में थी, और उसके बारे में जब पूछताछ की गई तो फिर इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहा कि लवकुश और इन्होंने मिल करके अपने पति की हत्या की। लवकुश की तलाशी की गई तो विंडमगंज रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार किया गया और महिला को भी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है जो कि लवकुश के पास से, जिसने जिसको उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था कि अगर कोई पकड़ेगा तो फिर उनकी कोशिश करेगा। पूछताछ में उसने बताया कि इन दोनों का प्रेम संबंध काफ़ी समय से था रिश्तेदार होने के नाते, और इधर जब पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा तो पत्नी ने खुद ही उसको बुलाया था, वो गुजरात में कहीं काम करता था, और अपने घर तक बुलाया। बुलाने के बाद पूर्व योजना के तहत रात्रि में उसी गला दबा करके हत्या कर दी गई और ये साइकिल बंद करके चला गया। ये भी पता लगा है कि उसने रात्रि में ही उस महिला के साथ मार में रख के थोड़ा सही नहीं रख रहा था, उसने शादी भी रचा ली और उसके गले में मंगलसूत्र भी डाल दिया। तो इस तरीके से इस एक सनसनीखेज अपराध का, जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी उसका अनावरण हो गया है और आज दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में है।